नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का दौर चल रहा है। दंतेवाड़ा उपचुनाव का मतदान तो हो गया, अब चित्रकूट में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टी उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। वहीं निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी करने की बात कह रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में उपचुनाव का मतदान हो चुका है, बस परिणाम आने बाकी हैं। इसी बीच चित्रकूट में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही सियासी उठापटक भी तेज हो चुकी है। चित्रकूट में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 27 अक्टूबर को आएंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टी की तरफ से जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं इसी बीच छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने बोमड़ा मंडावी को प्रत्याशी बनाया है। अगर बात की जाए चित्रकूट सीट की, तो विधायक दीपक बैज के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ये सीट खाली है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 229 मतदान केंद्र है, जिनमें 213 मतदान केंद्र बस्तर जिले में एवं 16 मतदान केंद्र सुकमा जिले में है। निर्वाचन आयोग ने वही अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियां दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीत का दावा कर रही हैं, साथ ही जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने की बात भी कह रही हैं। राजीव भवन में हम लोग बैठे हैं, इसी भवन में बैठकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मरकाम साहब और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी श्री पुनिया जी जब बैठेंगे, तो ये आपको मालूम हो जाएगा प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन दंतेवाड़ा का झुकाव भी कांग्रेस के पक्ष में है और चित्रकूट सुनिश्चित कांग्रेस जीतेगी। लेकिन दुर्भाग्य है, एक साथ एक चुनाव की बात करने वाले लोग एक ही लगा हुआ दो विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, इसका भी कभी जवाब हमसे लीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जोगी जी ने विधानसभा चुनाव में सबसे पहले घोषणा पत्र भी लेकर के आए थे, वो उनके प्रत्याशी भी पहले घोषित हो गए, तो मुझे लगता है कि पहले प्रत्याशी घोषित होना ये जीत का कोई पैमाना नहीं होता। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो बहुत सोच विचार करके अपने प्रत्याशियों का चयन विनिबिलिटी के आधार पर करती है। जो प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की पसंद होता है, संगठन की पसंद होता है और जिसमें जीतने की क्षमता होती है, उसे भारतीय जनता पार्टी उतारती है। दंतेवाड़ा उपचुनाव में भारी सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है और अभी चित्रकूट के लिए भी हम बहुत जल्दी जो तय समय सीमा है उसके अनुरूप हम अपने प्रत्याशी की, जीतने वाले प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। दोनों ओर से जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो वाकई में जीत किसकी होगी और कौन होगा प्रत्याशी, ये तो आने वाले समय में निश्चित होगा। इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में, रायपुर स्टूडियो में मेहमान शामिल है, इस पूरी चर्चा करेंगे इस विषय पर। कांग्रेस प्रवक्ता शामिल है हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव। इसके साथ ही राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भगवानु नायक प्रवक्ता हैं जेसीसी जेके। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। सत्ताधारी पार्टी है आप और आपने कहा है, जैसा कि अभी मंत्री रविंद्र चौबे ने बात कही थी कि हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम दंतेवाड़ा तो जीत रहे हैं, इसके साथ ही चित्रकूट भी जीतने की आप बात कह रहे हैं, तो अभी तक आपने प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर पाया और जीतने की बात अभी पहले से कह रहे हैं आप, अतिशयोक्ति तो नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है जी। सचिन जी देखिए, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है जी। जिस प्रकार का मैंडेट बस्तर का आया है और वहां की जनता ने जो हम पे विश्वास जताया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का प्यार हमें ये उपचुनाव में भी मिलेगा। आप देखिए जिस प्रकार से दंतेवाड़ा में अभी जनता का रिस्पांस था, वो अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, उसी प्रकार से आप देखिए कि सारे हमारे बड़े नेता, जैसे हमारे प्रदेश पिछले एक महीने से वही थे, हमारे मुख्यमंत्री जी 4 दिन का उन्होंने वहां पर समय दिया, उसी प्रकार हमारे प्रभारी वहां पर आए और हमारे प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन जी अपनी टीम के साथ वहां पर थे, हमारे संचार विभाग के प्रमुख वहां पर कई सभाएं की, तो उसका जो रिस्पांस आया है निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें दंतेवाड़ा में भी मिलेगा और चित्रकूट में भी मिलेगा। अब आपने कहा अतिशयोक्ति तो नहीं है जी, अभी अतिशयोक्ति से एक चीज और सामने आ रही है, हमारे पास ठोस मजबूत रीजन है। एक चीज और इसमें सामने आ रही है, दो बार से जीत रहे थे और जो काम वो युवा प्रत्याशी थे और जो काम उन्होंने किया है, बड़ा ठोस काम उन्होंने किया, बहुत ही लोकप्रिय विधायक वहां पर थे, उनकी लोकसभा में जीत के बाद ये सीट खाली हुई है
तो हमारे सारे बड़े नेता वहां से आ चुके हैं और निश्चित तौर पे हमारे प्रभारी पीएल पुनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी, सारे लोग मिलके कार्यकर्ताओं की पसंद जो होगी वहां पर वही कैंडिडेट कांग्रेस देगी और निश्चित तौर पे वहां पर वो उस कैंडिडेट, वो जो भी कैंडिडेट वहां पर कांग्रेस का होगा, निश्चित तौर पे वो कांग्रेस की जीत का परचम लहराएगा। जी अमित जी, यहाँ पर आप आपने जो बात कही है कि दंतेवाड़ा में आपको आशीर्वाद मिला है, आप पहले से ही इतने कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि आपकी ही जीत होगी या आपने तय कर लिया अपने मन में, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, दंतेवाड़ा में चुनाव हो गया, चित्रकूट की बारी है, दंतेवाड़ा में भी आप भी जीत की दावा कर रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी, इसके साथ ही चित्रकूट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बस्तर पारंपरिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ जगह था जिसे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नए आयाम कराए। निश्चित रूप से अमित जी मेरे मित्र ने जो कहा कि दो बार से दीपक जी की जीत हो रही है वो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आज जो हालात है लोकसभा चुनाव के बाद में, तो आज काफी परिस्थितियां बदल गई है। चित्रकूट का जो पानी है काफी बह चुका है और जो 9 साल का जो कुशासन है कांग्रेस का, उसे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे हिंदुस्तान लेकर बस्तर के लोग भी जान चुके हैं कि ये सरकार कुछ काम नहीं कर सकती, केवल एसआईटी का गठन करती है और बदलापुर की राजनीति करती है। और ये जो 9 साल में जो किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगा और बहुत सारे लंबी लंबे शराब की माफी होगी, शराबबंदी होगी, कोई काम नहीं हुआ और विकास के सारे काम बंद है, तो इस कारण से आज चित्रकूट की परिस्थिति बदल चुकी है और निश्चित रूप से जो दूसरे फेज के उपचुनाव में जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाले होंगे, भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। जी, यानी कि कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जब से विकास के कार्य बंद है, उससे पहले जब आपकी सरकार थी तब इतना विकास हो पाया कि अभी तक विकास ही नहीं हो पाया। जो कांग्रेस कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने ही विकास किया है, अब बात समझ में नहीं आती, 15 साल से आप थे तो अब कितना विकास आपने किया और फिर कांग्रेस के सरकार आने के बाद से क्या विकास अचानक बंद हो गया, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए, मैं आपके बाद में जवाब लूंगा। भगवानु नायक हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, जेसीसीजे के प्रवक्ता है। भगवानु, अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी ने तो उम्मीदवार का चयन कर लिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में, जैसा कि आप अपना बलबल दिखा रहे थे पिछले चुनावों की बात की जाए, उतनी बड़ी संख्या में आप नजर तो आए नहीं है, और कैसे कह सकते हैं आपकी चित्रकूट आपका ही है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रथम के सिद्धांत पर हमने इस पार्टी को बनाई है जी, और विधानसभा चुनाव में हमने एक अच्छी उपस्थिति दर्ज की, बहुत ही कम समय में हमें मान्यता प्राप्त मिली, भारतीय निर्वाचन आयोग से हमें पंजीयन हुआ हमारा, उसके बाद हम जो हमें दमदारी के साथ हम चुनाव लड़े और 5 सीटें हम ला करके हमारी पार्टी की 5 सीटें गठबंधन के साथ हमारे साथ बिठे, तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी भी ऐसी कोई पार्टी स्थापित नहीं हुई। उसके बाद लगातार हमारे पार्टी, हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, दंतेवाड़ा में भी हमने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है और चित्रकूट में भी हमने हमारे प्रत्याशी को उतारा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो निश्चित रूप से हमें एक सफलता मिलेगी। आजादी के 70 साल के बाद अगर आप देखेंगे बस्तर का जो क्षेत्र देखेंगे, 15 साल अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, पूरा समय कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन आज भी दलित वहां के जो आदिवासी है उनकी स्थिति बद से भी बदतर है, वहां एजुकेशन नाम की चीज नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो डेवलपमेंट जीरो है वहां पर। विकास के लिए जो है, चाहे दंतेवाड़ा हो, चित्रकूट है, बस्तर है, वो तरस रहा है। यही कारण है कि आज बस्तर की जनता जो है पलायन कर रही है, अन्य प्रदेशों में जा रही है। इस बात को लेकर अगर कहा जाए तो आप कहीं ना कहीं अजीत जोगी पर ही सवाल उठा रहे हैं। उपस्थिति अच्छी रहेगी जी। भगवानु, अगर बात की जाए, आप जो कह रहे हैं कि बस्तर में विकास नहीं हो पाया, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी पार्टी के प्रमुख अजीत जोगी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 5 साल तो वो भी सीएम रहे और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी जीतेगी। निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या है? अगर आपकी पार्टी जीती तो वो निष्पक्ष चुनाव है या फिर वो दूसरा निष्पक्ष चुनाव नहीं है, अगर आपकी पार्टी नहीं जीती तो, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए देखिए देखिए, अभी दंतेवाड़ा में आप देखेंगे हमारे प्रत्याशी को खरीदने का प्रयास किया गया, आइडियो जाहिर किया हमारे सुजीत कर्मा हमारे प्रत्याशी ने, वहां किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, वहां कैसे अडानी राम कंपनी का दोनों पार्टी जो मिले हुए हैं, जो कि आदिवासियों के खदानों को बेच दिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे आदिवासियों की स्थिति क्या है, उनके जल जंगल जमीन को किस तरीके से लूटा गया, आज वहां पर लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर है वहां पर। तो दोनों पार्टी ने क्या किया, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने आदिवासी के साथ अहित किया है। तो आज अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो निश्चित रूप से आज जिस तरीके से अडानी के पैसे को बांटने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया, तो दोनों पार्टी मिले हुए हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग होता है।
पैसे का अगर अगर होता है तो निश्चित रूप से समस्या पड़े। ये चीज तो कि जिस तरह से निष्पक्षता को लेकर हर बार बात उठती है कि अगर आपकी जीत हो जाए तो आप चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर नहीं हुई तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा, जैसा कि जेसीसी जी के प्रवक्ता के पर आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग की जा रहा है और वो तो आपको और बीजेपी को मिला हुआ बता रहे हैं। देखिए पूरे प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार इस प्रदेश की राजनीति को राजनीति फिजा को दूषित करने का काम यहां पर ए और बी टीम कर रही थी और कई सारे उसके ऑडियो कैसेट यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा सुना गया है। और सबसे पहले मैं यहां भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि 10 महीने के कार्यकाल में, अरे आपको आपने जो कार्य 15 साल में नहीं किया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो काम 10 महीनों में किया। किसानों का कर्जा माफी के बाद अगर सबसे पहले उन्होंने कोई कार्य करने का काम किया, अगर उनका कार्य करने का कोई फोकस कहीं पर था तो वो बस्तर रीजन था। बस्तर के आदिवासियों को जमीन लौटाने का उन्होंने सबसे पहले काम किया। उसी प्रकार ये वो इनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है सचिन जी, ये वो सरकार है जो जब सरकार सत्ता में आती है, जब बीजेपी की सरकार, तो आप देखिए प्याज का रेट क्या हो जाता है, किचन तो दूर थाली से दूर होने की स्थिति में आप प्याज आ गई है। तो ये इनके राज में लोग प्याज खा भी नहीं सकते और ये विकास की बात करते हैं और ये प्याज बीच में इतने ही 15 साल में विकास। अमित जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अमित जी ये प्याज बीच में कहां से आ गई? नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी असंवेदनशीलता आप देखिए कि जब ये आते हैं इनको जनता की परवाह नहीं होती है। जी जी मैं उस पे आना चाह रहा हूँ। चलिए राजीव जी आपको जनता की परवाह नहीं है, प्याज का मुद्दा भी उठ गया है और आप पर आरोप लग रहे हैं इस बात को लेकर। देखिए आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सारे जवाब ये जो भी आरोप लगाते थे जनता ने विधानसभा चुनाव में हमको 10 सीट जिता के जनता ने स्वतः ही इनको जवाब दे दिया है, हमें कुछ कहने की जनता ने जी हमें जरूरत नहीं फिर है। फिर तो लोकसभा चुनाव भी, चलिए राजीव जी से जवाब देता हूँ। राजीव जी निर्णय, चलिए राजीव जी क्या कुछ कहेंगे आप? जनता इनको जवाब दे देगी क्योंकि ये क्या क्या 15 सालों में किए हैं, इनका काला चिट्ठा भी अब खुलते जा रहा है। चलिए राजीव जी उसी को देखते हुए इनकी कमीशन खोरी को देखते हुए 15 साल 15 महीने में लाके इनको छोड़ा है। चलिए राजीव जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जो दंतेवाड़ा में चुनावी जो सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग हुआ वो सारा दुनिया जानता है किस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह के चुनावी सभा को होने नहीं दिया गया, सुरक्षा कारणों से बदल दिया गया और जो मंदिर की जमीन थी जो धार्मिक स्थान की जगह था उस जगह के ऊपर कांग्रेस ने अपना जनसभा किया, भारतीय जनता पार्टी का रद्द कर दिया। तो और व्यापक पैमाने पर दंतेवाड़ा के उपचुनाव में सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ, ये एक बात। और दूसरी बात 15 साल में लाइवलीहुड कॉलेज और जितने अस्पताल और जितने स्कूलों की श्रृंखला शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने, ये पिछले 9 महीने में सारा कुछ ठप पड़ा हुआ है। शराबबंदी का वादा क्या हुआ तो शराब के नए काउंटर पढ़ाए जा रहे हैं। अगर पूछा जाता है कि सड़कों का क्या हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के SIT का गठन कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से आज जो कुपोषण के ऊपर बात करते थे तो कुपोषण का कोई कार्य योजना नहीं है। चलिए लेकिन वो चित्रकूट को लेकर बात कर रहा है। 10 महीने चलिए इस बीच भगवानु नायक भी हमारे साथ हैं। भगवानु अगर बात की जाए दो वो मुख्य पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की,
तो अपनी अपनी जीत के दावे तो कर दिए। इसके साथ ही बात यहाँ पर ये भी निकल के आ रही है कि विकास के आयाम, विकास का दम्भ दोनों पार्टी भर रही है, लेकिन आप विकास को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, आपका ये कहना है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल का चाल चरित्र और चेहरा एक ही है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। यही कारण है कि 15 साल की सरकार को विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया और ठीक 5 या 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। लेकिन यहाँ बात यह है कि आपको फिर भी नहीं आ पाए। आने वाला है, अभी ये उपचुनाव भी चल रहा है, नायक जी पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं जी। नायक जी अगर बात की जाए, बात करें जी नायक जी, मेरा इस पीछे एक सवाल है। बस्तर की बात करें, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आदिवासियों को ठगने का काम किया है, आज भी आदिवासियों के पैरों में चप्पल नहीं है। चलिए नायक जी मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में 15 साल से जो पार्टी थी उसको नकार दिया जनता ने, और लोकसभा में जो अभी जीती है पार्टी उसको नकार दिया, यानी कि बीजेपी को भी नकार दिया और कांग्रेस को भी नकार दिया जनता ने एक एक चुनाव में। लेकिन आप तो कहां थे, वहां से ज्यादा ही ऊपर नहीं उठ पाए, जबकि दावे तो आपने बहुत किए थे, आदिवासी हितैषी पार्टी आपने अपने आप को बताया था, लेकिन फिर भी आपको क्यों नहीं चुनी जनता? आदरणीय छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 82 साल के इतिहास में पहली पार्टी जो हमें मान्यता प्राप्त मिली और 14% हमने वोट लाया है। छत्तीसगढ़ का हमें टिकट चुनाव चिन्ह मिला था। नायक जी छत्तीसगढ़ समय में, नायक जी छत्तीसगढ़ का 82 साल का इतिहास कब से हो गया सर? छत्तीसगढ़ जब, क्योंकि अटल बिहारी सरकार में छत्तीसगढ़ अलग बना था, उसके अनुसार बोल रहा हूँ, परिसीमा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ जी। उसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बार 14% के साथ कोई क्षेत्रीय दल स्थापित हुई है, और इतने कम समय में 2 महीना पहले हमें चुनाव जो है चिन्ह मिलता है, और इतने कम समय में कोई क्षेत्रीय दल आज तक, और आज पूरे देश में अगर देखेंगे क्षेत्रीय दलों का बोलबाला चल रहा है, चाहे उड़ीसा का देखेंगे, बीजेडी का देखेंगे, यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, पश्चिम बंगाल देखेंगे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है छत्तीसगढ़ में राज करेगी। चलिए, आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, आप ये कहना चाहते हैं? चलिए अमित जी, अगर बात की जाए तो जनता जोगी कांग्रेस को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना, चलिए अभी तो हम कम है, लेकिन अपने आप में उन्होंने कहा कि आगे चल के हम इतने हो जाएंगे कि चुनौती बन जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल चुनौती नहीं मानते, हमारे को जनता का आशीर्वाद जो मिला है, ये पहले भी बड़े बड़े दावे करते थे कि हम बसपा के साथ अब हम जुड़ गए हैं, अब देखिए हम सरकार बनाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हमें हम इनको चुनौती मानते ही नहीं है। और हमारा तो ये स्लोगन ही है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अगर जनता आपके साथ है, अगर आप जनता के हित की बात करते हैं, अगर आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और अगर जनता की उससे भलाई होती है, निश्चित तौर पर जनता उस पार्टी के साथ होगी। और जनता ने हमें अभी विधानसभा चुनाव में जो हमको जनता ने आशीर्वाद दिया है, और पिछले 10 महीने का हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया, उसपे हमें पूर्ण विश्वास है कि दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतेगी। जी, आपने नकार दिया JCCJ को, तो बीजेपी को भी आप नकारेंगे या बीजेपी को चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती हमारे यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ का आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को ही जनता ने हमेशा पसंद किया है जी, यानी कि बीजेपी चुनौती है या बीजेपी सरकार बनाई है जी, यानी कि बीजेपी चुनौती आपके लिए मानते हैं? विपक्ष यहाँ पर हो, अच्छा मजबूत विपक्ष हो, तभी सत्ता का मजा है। और जनता का अगर हमसे भी कोई गलती होती है, विपक्ष उस मुद्दे को उठाए, और अगर कोई उस मुद्दे को लेके अगर जनता के साथ हम बार बार हम चाहते हैं कि विपक्ष यहाँ पर मजबूत हो, तो उसके लिए एक सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी है, तो हम ये तो कभी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बात बस्तर की हो रही है, तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है 10 महीने का, हमें पूर्ण विश्वास है जो काम उन्होंने बस्तर के विकास के लिए किया है, आपका शायद समय अगर आपके पास हो तो मैं गिनाना भी चालू कर देता हूँ कि जिस प्रकार आदिवासियों को जमीन लौटाने का कार्य हो, बिल्कुल बिल्कुल, या शराबबंदी का क्या हुआ अमित जी? एक मिनट, बिल्कुल, शराबबंदी का क्या हुआ? और जो विकास वहाँ पर वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप देखिए हमारा कैंडिडेट वहाँ पर जीतेगा। इनके विधायक आदिवासियों की जमीन को टाटा मिश्रे दिया था, के ऊपर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की दुकान कर रहे हैं। देखिए, अब वरुण आया की तरह व्यवहार कर रहे हैं, 2005 से अधिग्रहण वहां का चालू हुआ था, 2010 तक अधिग्रहण हुआ था, शायद ये अपने ज्ञान को दुरुस्त करें, और इनके कार्यकाल में वहां पर टाटा स्टील प्लांट लगाने की जमीन दिया गया था, 10 साल बाद भी प्लांट लगने के बाद भी आदिवासियों को जमीन वापस दी गई, और कांग्रेस सरकार आने के बाद वो जमीन वापस की गई। आपने आदिवासियों पर एहसान किया है, आपने
आदिवासियों को, अरे आदिवासियों ने आपको नकार दिया है, आदिवासियों को इसीलिए आपको तो कहने का भी राइट नहीं है। आदिवासी के हमारे नेता पहले थे, आज भी उनका नेतृत्व करता है, तभी जब वहाँ आपने बिल्कुल कहा ठीक का, पहले वो आदिवासी थे अब नहीं है, आपने अपने खुद से कन्फर्म कर लिया है कि अब आदिवासी नहीं है, रहेंगे हैं रहेंगे। दोनों पार्टियां रंगी हुई है, राष्ट्रीयता की बात अगर अंतागढ़ कौन कर रहा था, अंतागढ़ भाजपा के साथ मिलकर कौन कर रहा था, देखिए चलिए चलिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, चलिए 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 राजीव जी सबसे पहले आपके पास आता हूँ, राजीव जी राजीव जी राजीव जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, मैं सबको वॉलेट डाउन करवा रहा हूँ, मैं सभी की आवाज डाउन करवा रहा हूँ, चलिए अमित जी अमित जी अमित जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, अमित जी आपने अपनी बात पूरी कर ली, राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, यहाँ पर बात उठती है मुख्य विपक्षी दल की, तो विपक्ष में अभी आप हैं, अगर बात की जाए इन दो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, तो इन दो विधानसभा सीटों पर अगर आप दोनों जीते आते हैं तो इतने भी सशक्त विपक्ष के तौर पर भूमिका आपकी रहेगी या फिर जो अभी है, क्योंकि सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का मुकाबला कहीं से कहीं तक आप नहीं कर पा रहे अभी, आप चाहे दोनों पार्टियां अभी क्यों ना मिल जाए विपक्षी दल तो अभी कांग्रेस की सीटें ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, जैसा भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं सशक्त विपक्ष हो, विपक्ष की भूमिका में आप हैं, 5 साल आप ही रहने वाले हैं, तो और अच्छा कैसे आप कर पाएंगे विपक्ष की भूमिका में कि सरकार को आईना दिखाएं, उसके लिए क्या कुछ करेंगे, और दूसरी बात चित्रकूट में जीत की तैयारी को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि आपने अभी तक उम्मीदवार का चयन नहीं किया, दूसरी बात यह कि आप लगातार आरोप का दौर लगातार चाह रहे हैं कि 10 माह पहले तक विकास हो रहा था, उसके बाद जैसे ही सरकार आई तो सरकार के आने से विकास रुक गया, जबकि दंभ भर रही है कांग्रेस और खुद सीएम मोर्चा संभाले हुए हैं कि हम विकास कर रहे हैं और तमाम योजनाओं की सौगात दी है। सचिन जी जो आपका पहला प्रश्न था कि विपक्ष क्या भूमिका रहेगी, तो एक संदेश जाता है जनता में कि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उपचुनाव में दोनों के दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है, तो जनता के बीच में एक संदेश जाएगा कि ये जो पार्टी है रूलिंग पार्टी है सत्ताधारी पार्टी है वो भ्रष्टाचार में लगी हुई है, विकास के सारे काम ठप पड़े हैं, तो जनता के बीच में संदेश बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 12 महीने जनता के बीच में रहती, चुनाव हो या ना हो जनता के बीच में हमारे जो 6 कार्यक्रम हैं और जितने भी कार्यक्रम हैं जनता के बीच में चलते रहता है, विकास को लेके और सूचनाओं को लेके हम जनता के बीच में जुड़े रहते हैं, चुनाव की बात रहती पूरी पार्टी एक इकाई होकर सारे कार्यकर्ता कैंडिडेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर वाइज पार्टी है, तो सारे के सारे कैडर मिलके हम चुनाव में काम करते हैं और निश्चित रूप से हमारी अच्छी तैयारी है, चलिए हम विजयश्री हासिल करेंगे, और एक बहुत अच्छा संदेश आएगा कि रूलिंग पार्टी कांग्रेस के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो जनता का विश्वास खो चुकी है। चलिए वो तो संदेश कैसा कह जाएगा वो तो आने वाला व्यक्ति बताएगा, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, इसके साथ ही भगवानु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चित्रकूट की अब तैयारी है, चित्रकूट में उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस की तो अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की बात दोनों मुख्य पार्टियां कह रही हैं। वहीं अगर बात की जाए जोगी जनता कांग्रेस की तो उसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, अब देखते हैं कि जीत किसकी होगी, हालांकि जीत को लेकर सभी पार्टियां आश्वस्त हैं, लेकिन जनता के दरबार में जब जाएंगे जनता जिस पर मोहर लगाएगी जीत तो उसकी होगी, और जीत कब होगी कैसे होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए डीएनएन के साथ, नमस्कार।